मैंने जो बात कही है वो अहम सही है, वहाँ पैसा बंटा है और वहाँ पैसा बंटने के बाद इनकी जब करारी हार हुई तो जिन लोगों को इन्होंने पैसा दिया बांटने के लिए, इन्होंने उनको बुला करके ये बात कही है कि भाई पैसा दिया था, हमारा कैंडिडेट हार क्यों गया, हमारा पैसा वापिस करो या बताओ वो पैसा गया था। इस बात को लेकर के विवाद है, तो नवाड़ी जा पता कर जा करके, अपने आप लोग ही क्लियर कर देंगे इस बात को। राज्यसभा चुनाव मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगाता, मैं हमेशा खुल करके जो सही बात है उसको खुल करके लोगों के सामने रखता हूँ। चौधरी रणजीत सिंह ने भी पैसा बांटा, अगर वो इस बात का खंडन करेंगे कि मैंने पैसा नहीं बांटा तो मैं उस आदमी को ला करके खड़ा कर दूंगा जिससे पैसा लिया गया। मैंने सच्चाई बताई है, इलाहाबाद के चुनाव के अंदर सरकार की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपया बांटा गया और मैंने विधानसभा में ये बात जब स्पीकर के सामने कही तो स्पीकर ने भी आपकी तरह कहा कि आप आरोप लगा रहे। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं आपको एफिडेविट ला करके देता हूँ, अगर लोगों ने एफिडेविट दे दिए तो क्या आप कार्रवाई करोगे। स्पीकर ने मेरे सामने हाँ मरी कि मैं कार्रवाई करूंगा। मैं एफिडेविट लेकर के गया, 1, 2, 4, 5 नहीं सैकड़ों एफिडेविट आज भी मेरे पास पड़े हैं जो अटेस्टेड हैं नोटरी के, और उन पे आरोप लगाया गया कि फला फला आदमी ने हमारे गांव के अंदर पैसा बांटा। अच्छी बात है, अब चौटाला को अब होश आ गया तो अभी सही। ये पहले कह रहे थे कि भाई जो JJP का जो हाथ है वो उसके विनोद शर्मा के जेब में पहुंच गया और उन्होंने आरोप लगाया था सीधा, और अभी भी घूम फिरा करके आरोप लगा रहे। अरे भाई उनका चेहरा बेनकाब करो ना, उन बेईमानों का पता तो लगे हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वो कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने पैसा लिया था और खुद क्या डील हुई है। जब भी जरूरत पड़ती है हमेशा अभय चौटाला BJP के साथ खड़े मिलते हैं, फिर BJP की बुराई करते हैं। कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव में भी अभी वहीं जाएंगे, तो ये हर मामले में साथ देते हैं BJP का, और BJP ने लोकदल खत्म कर दिया। पहले लोकदल की बी टीम हुआ करती थी BJP, आजकल जो है ना ये तड़प रहे हैं कि हमें कोई साथ लगा ले। आज BJP ने, और जहाँ जहाँ BJP की वहाँ उस पार्टी को ख़त्म कर दिया। यहाँ लोकदल ख़त्म कर दिया, हरियाणा में, पंजाब में अकाली दल ख़त्म कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार को ख़त्म कर दिया, महाराष्ट्र में अभी शिवसेना को और उनको ख़त्म कर दिया। जहाँ जिसने इनके साथ समझौता किया है उनको सबको ख़त्म करने का काम ये पार्टी, उसको ख़त्म कर दिया उस पार्टी ने। क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला ये जो बयान दे रहे हैं, तमाम सबूत हैं उनके पास, दबाव बनाने की कोशिश है क्या सरकार पे, या फिर अपना कोई हित साधना चाहते हैं? नहीं, इसमें लगता ऐसा ही है कि हो सकता है कि अपना हित साधन हो, नहीं तो अगर उनके पास सबूत हैं तो वो क्यों रखे बैठे हैं। उनको एकदम ED के पास भी जाना चाहिए, जनता में भी उनको बेनकाब करना चाहिए, जो सबूत हैं उसके सामने रखना चाहिए, जो भी सबूत हैं उनके पास में उनको ओपन करो जिससे पता लगे। अभी तो खुद भी ये कह रहे हैं अभय चौटाला की भी क्या डील हुई है BJP से, जो BJP का विरोध कर रहे थे, BJP के खिलाफ अभी कल परसों चुनाव लड़े थे, बाई इलेक्शन लड़ा था, फिर BJP के साथ में जाकर के वोट डाल रहे हैं, तो ये भी तो फिर उनको सोचना पड़ेगा। और उन्हें अगर कोई सबूत मिला है तो वो जनहित में, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में वो बिल्कुल बेनकाब होने चाहिए, वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए जिन लोगों ने बेईमानी की है, जिन लोगों ने पैसा लेकर के वोट दिया है। ये पता लगना चाहिए कि कौन किस तरह का प्रतिनिधि है।